परिचय। खाना खाते वक्त थोड़ी सी कढ़ी ऋषि के शर्ट पर गिर गई। उसकी माँ हल्दी के दाग को साबुन से धोती है, लेकिन वो हैरान रह गया क्योंकि साबुन से धोने के बाद दाग नारंगी लाल हो गया। साबुन के प्रयोग से दाग का रंग कैसे बदल गया? आइए इस पाठ में जानें कि रंग बदलने का कारण क्या था। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। सूचकों और उनके प्रकार के बारे में बताना। सूचकों के प्रकारें बताना। उदासीनीकरण को परिभाषित करना। सूचक। छात्रों, आप यह कैसे जानेंगे कि एक फल अम्लीय है या क्षारकीय? घर पर एक साधारण सूचक विलयन बनाकर आप किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारकीय प्रकृति का आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आपको एक बीकर, बर्नर, गुलहड़ की पंखुड़ी, शीशे का एक साफ गिलास, तीन छोटे गिलास, नींबू का रस, साबुन का विलयन और आसुत जल की जरूरत होगी। बीकर में थोड़ा आसुत जल डालें और स्टोव पर इसे गर्म करें। पानी के गुनगुना होने तक गर्म करें। अब इस गुनगुने पानी में गुड़हल की पंखुड़ी डालें। इस मिश्रण को पानी के रंगीन हो जाने तक रखें। इस बैगनी लाल पानी को चाय की छलनी से छान लें। यह बैगनी लाल विलयन आपका सूचक है। इसके बाद इस सूचक की थोड़ी मात्रा को तीन छोटे गिलासों में लें। पहले गिलास में नींबू का रस डालें, दूसरे में पानी डालें और तीसरे में साबुन का विलयन डालें। आपने क्या देखा? आप देख सकते हैं कि पहले गिलास में विलयन का रंग गाढ़ा गुलाबी हो गया है। नींबू के रस की प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए सूचक के रंग में परिवर्तन हुआ। आप देख सकते हैं कि दूसरे गिलास में विलयन का रंग अपरिवर्तित है। ऐसा क्यों? क्योंकि जल की प्रकृति उदासीन है। तीसरे गिलास के विलयन का रंग हरा हो गया है। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गुड़हल से प्राप्त सूचक अम्ल की उपस्थिति में गहरा गुलाबी और क्षारक की उपस्थिति में हरा हो जाता है। किसी वांछित खाद्य पदार्थ पर हम इस सूचक की बूंदों को डालकर जान सकते हैं कि वह अम्ल है या क्षारक है। उदासीन विलयन। जल का स्वाद कैसा होता है? यह खट्टा है या कड़वा? यह दोनों नहीं है, क्योंकि जल ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षारक। जो विलयन ना तो अम्ल होता है ना ही क्षारक, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। प्राकृतिक सूचक। लिटमस प्राकृतिक सूचक है। यह लाइकेनो यानी शेक से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग मॉव नील शोण होता है। यह विलयन या लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। आप विलयनों की प्रकृति का परीक्षण लिटमस पत्र से कर सकते हैं। लोहे की एक भाव दीपक छड़ को बेकिंग पाउडर के विलयन में डुबोइए और इस गीली भाव दीपक छड़ को लाल लिटमस पत्र से स्पर्श कीजिए। लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, जो सूचित करता है कि बेकिंग पाउडर विलयन की प्रकृति अल्काइन है। पुनः भाव दीपक छड़ को सिरके के विलयन में डुबोइए। एक बूंद नीले लिटमस पत्र पर डालिए। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, जो सूचित करता है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है। प्रयोगशाला सूचक। आइए एक साधारण प्रयोग करें। बीकर में थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें, इसमें फिनाल्फथेलिन मिलाओ। अब इस विलयन में बूंद बूंद सोडियम हाइड्रोऑक्साइड मिलाइए
और हिलाते रहिए। थोड़ी देर बाद विलयन का रंग धीरे धीरे गुलाबी होने लगता है। हम थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल मिलाते हैं तो गुलाबी रंग और चमकदार हो जाता है। अब एक बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर यह विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है। अतः अल्काइन विलयन में फिलाल्फथेलिन गुलाबी दिखता है और अम्लीय विलयन में यह रंगहीन दिखता है। आत्म मूल्यांकन। उचित विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक गतिविधि की सहायता से समझते हैं। वांछित सामग्री है एक टुकड़ा खड़िया यानी चौक, सिरका और टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में पिसा हुआ चौक डालिए, इसमें सिरका मिलाइए, देखिए क्या होता है। खड़िया सिरके के संग अभिक्रिया करता है। जब खड़िया अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलते हैं। खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। जब वे अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कैल्शियम एसिटेट बनते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सूचक एक ऐसे पदार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है जो पदार्थों के रंग की प्रकृति में परिवर्तन के माध्यम से परीक्षण करता है कि वह पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। वह विलयन जो किसी सूचक के रंग में परिवर्तन नहीं करता है उसे उदासीन विलयन कहते हैं। वे ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकीय। जो सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। लिटमस प्राकृतिक सूचक का एक उदाहरण है जिसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है जबकि क्षारकीय विलयन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं।